हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुभान महमूद और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले क्या हो चुका है वो थोड़ा सा सुन लेते हैं। 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन आया था जो कि पाकिस्तान के लिए 1947 में बना था, और उसके 9 साल बाद आपने कुछ ऐसे कानून बनाए कि जिसके ऊपर पाकिस्तान चलेगा। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल के अंदर अंदर एब्रोगेट हो गया, और जिन्होंने वो कॉन्स्टिट्यूशन दिया था उन्होंने ही उसको एब्रोगेट कर दिया। सिकंदर मिर्जा साहब जो कि फोर्थ गवर्नर जनरल थे और सबसे पहले प्रेसिडेंट थे पाकिस्तान के, तो उन्होंने खुद ही उसको एब्रोगेट कर दिया। फिर जी एब्रोगेट इस तरह किया कि उन्होंने अयूब खान साहब को मार्शल लॉ के लिए खुद इनवाइट किया और अयूब खान साहब ने आके मार्शल लॉ लगा दिया। अब जब उन्होंने मार्शल लॉ लगाया तो उसके बाद उन्होंने डेमोक्रेटिक कल्चर जो है वो उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन पेश किया जिसको कहते हैं 1962 का कॉन्स्टिट्यूशन। अब ये पहला मार्शल लॉ लगा था अयूब खान साहब की तरफ से, ठीक है, फर्स्ट मार्शल लॉ। और इसी कह लें इन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन दिया इसी के मुताबिक फिर गवर्नमेंट वगैरह जो सारा सेटअप करने के बाद कुछ ही अरसे के बाद याह्या खान साहब ने फिर से मार्शल लॉ लगाया जो कि है सेकेंड मार्शल लॉ। ठीक है, ये एमसीक्यूज आए थे इसलिए मैं साथ साथ बता रहा हूँ। और 1969 में जो आपने 1962 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था वो 1969 में एब्रोगेट हो गया। एब्रोगेट हो गया मतलब खत्म हो गया। और अब एक जब आपको पता है एब्रोगेट हो जाए तो हमेशा नया कॉन्स्टिट्यूशन बनता है, जब सस्पेंड हो जाए तो कुछ ही अरसे बाद उसी कॉन्स्टिट्यूशन को दोबारा से इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। जैसे कि एमरजेंसी सिचुएशन में अगर मुल्क में कोई एमरजेंसी सिचुएशन है तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करते हैं, लेकिन अगर मुल्क उस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत चल ही नहीं पा रहा तो आप उसको एब्रोगेट कर देते हैं। तो क्या किया याह्या खान साहब ने आके इसको एब्रोगेट कर दिया 1969 में, और कह लें कि ये भी ज्यादा देर नहीं रह सका ये कॉन्स्टिट्यूशन, और इसका ज्यादा पाकिस्तान को इतना फायदा नहीं हो सका हो चुका क्योंकि इस ये कॉन्स्टिट्यूशन काफी सख्त था और इसके अंदर फंडामेंटल राइट्स काफी कम थे। बाकी वो देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के मेन पॉइंट के अंदर हम इन सारे कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर आर्टिकल थे 250 आर्टिकल्स टोटल। पिछले वाले कॉन्स्टिट्यूशन के कितने आर्टिकल्स थे? 234 आर्टिकल्स थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज आते हैं। 250 आर्टिकल्स थे इसके अंदर और 234 आर्टिकल्स थे 1956 कॉन्स्टिट्यूशन के। अब देखें सबसे मेजर चेंज क्या आया, पाकिस्तान का नाम इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान से हटा कर रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान रख दिया गया। मतलब आपने पाकिस्तान को बनाया है इसी नारे पे था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और आपने इसको एक लिबरल और कह लें सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश करना शुरू कर दी। अच्छा जी, फिर जी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसका भी प्रियम्बल थी। प्रियम्बल क्या होता है, अभी मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर भी बताया था लेकिन दोबारा से बता देता हूँ, कोई भी ऐसा पॉइंट जो कि पूरी चैप्टर को एक्सप्लेन कर दे। जैसे अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं और आपने 200 पेजेस की बुक लिखी है और आपने शुरू में कुछ 4 लाइन ऐसे लिख दी कि जिसके अंदर आपने ये समझा दिया कि मेरी पूरी बुक में क्या लिखा हुआ, तो वो 4 लाइन्स क्या होंगी, वो उसका प्रियम्बल होगी। ठीक है, तो जिस चीज की बेसिस के ऊपर कोई चीज लिखी जाए, ये कि जिस पॉइंट की बेस के ऊपर एक पूरी नुक्ता जो एक्सप्लेन किया जाए वो होता है प्रियम्बल। सही है, सो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी वो इसका प्रियम्बल थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी मैं पहले बता चुका हूँ, 1949 में लखत अली खान साहब ने इसको पेश किया, जिसके अंदर 4-5 बातें थी या 5-6 बातें थी कि कोई भी कानून इस्लाम के मुनाफी नहीं बन सकता, और हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, और सबको फंडामेंटल राइट्स मिलेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ मीडिया होगा। लेकिन कह लें ये कहने को प्रियम्बल पे थी क्योंकि अभी आप आके देखेंगे ना सो आपको काफ़ी ऐसी चीज़ें नजर आएंगी जो कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर उसके मुनाफी हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने कहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच होगी, फंडामेंटल राइट्स गिवन होंगे सबको, माइनॉरिटीज प्रोटेक्ट होंगी, और फ्रीडम ऑफ मीडिया होगी, जर्नलिज्म सारा कुछ होगा, फुल ओपन होगा, जो कि आगे नहीं था। सो प्रेजिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दिया गया, ये पहली दफ़ा ऐसे था के मुल्क में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करवाया गया, नहीं तो पार्लियामेंट्री सिस्टम 1957 के कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस करवाया गया था जो कि ज्यादातर चल नहीं सका। ये भी यूनिकैमरल था, मतलब कि इसके अंदर सेनेट एग्जिस्ट नहीं करता था। अभी क्या होता है, अभी यहाँ पर हमारे पास होते हैं 2 हाउसेज हैं, एक लोअर हाउस है, एक अपर हाउस है, ठीक है, एक नेशनल असेंबली और एक सेनेट है। सो कोई भी आपने कानून पास करना हो तो इन दोनों की रजामंदी के बगैर वो कानून पास नहीं होता है। तो पहले ये मसला, क्योंकि जब मिलिट्री जब भी आती है ना तो वो पावर अपने हाथ में रखती है, सो अब जब ये इस तरह की चीज़ें बढ़ जाती है ना तो पावर आपके हाथ में नहीं रहती और आप कई लोगों पर मुनहसर करने लग जाते हैं। सो मिलिट्री कभी भी ये नहीं चाहेगी। सो इन्होंने यूनिकैमरल पेश किया कि जिसके अंदर एक ही वो होगा हाउस होगा,
और वही कानून पास करेगा, ठीक है। सो उर्दू और बंगाल वही ऑफिशियल लैंग्वेज। अच्छा ये तो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी यही बात थी कि उर्दू और बंगाल ऑफिशियल लैंग्वेज रहेंगी। सो कह लें कि ये एक ऐसा पॉइंट नहीं है कि जो कि चेंज हुआ, वो बिल्कुल सेम उन्होंने कहने रख लिया। हाँ फंडामेंटल राइट्स बहुत कम कर दिए गए, सिर्फ सर्टेन फंडामेंटल राइट्स आपको दिए गए। आपको असम्बली और एसोसिएशन का राइट्स आपसे छीन लिया गया। असम्बली और एसोसिएशन का मतलब है कि एहतजाज, ये बस जैसा लिखा गया वैसा लिखा गया, एहतजाज और एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कोई भी पॉलिटिकल स्ट्राइक या पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करने से या पॉलिटिकल सारी जो मुहिम है उनको रोक दिया गया, ठीक है। सो एक तो ये काम हो गया। फिर उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन भी इन्होंने दिया, क्यों, क्योंकि ये क्यों थे, ये मिलिट्री डिक्टेटर थे ना, तो डिक्टेटर कभी भी आके पॉलिटिकल कल्चर को स्ट्रेंथन नहीं होने देता, वो हमेशा पावर जो है वो अपने हैंड में रखता है। सो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन भी ऐसा दिया कि सारी की सारी पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास रहे, और प्रेसिडेंट कौन हो, किसने होना था, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट इसके अयूब खान साहब ने होना था, ठीक है। सो वो उन्होंने ऐसा पेश किया कि जिसके अंदर इन्होंने अपने आप को खुद ही फिर प्रेसिडेंट भी बनवा दिया, और ये खुद ही इन्होंने कह लिया मुल्क सारा अपने हाथ में रखा और मुल्क अपने हाथ में रख के चलाया। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन काफी रिजिड था। रिजिड से मतलब ये कि इसके अंदर कोई भी तरमीम या अमेंडमेंट करना इंतहाई मुश्किल था। सो ये इंतहाई मुश्किल क्यों बनाया गया, क्यों, क्योंकि मिलिट्री डिक्टेटर था, ठीक है। मिलिट्री डिक्टेटर हमेशा पावर जो है वो अपने हैंड पे रखता है और कभी भी पावर जो है वो बांटना नहीं चाहता, ठीक है। जुडिशियल राइट्स कोई नहीं दिए गए थे, जितने कोर्ट्स थे उनको सस्पेंड कर दिया गया था और स्पेशल कोर्ट्स बना दिए गए थे। फिर जी बेसिक डेमोक्रेसी थी और इनडायरेक्ट इलेक्शंस जो थे वो पेश किए गए। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट ये कह लें, क्योंकि पिछले वाले डायरेक्ट इलेक्शन थे 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में, अब ये इनडायरेक्ट इलेक्शन का नया कॉन्सेप्ट दिया गया कि जिसके अंदर 40,000 लोग ईस्ट पाकिस्तान से होंगे और 40,000 लोग ही वेस्ट पाकिस्तान से होंगे। अब ये 40,000 भी क्या होंगे, लोकल लीडर्स, ठीक है, लोकल लीडर्स। इससे ये एक चीज हुई कि लोकल लीडर्स जो थे ना उसका कल्चर बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ होना शुरू हो गया, ठीक है। और जब भी आप देखेंगे ना, कभी भी मिलिट्री आई है ना, उसने हमेशा जो लोकल लीडर्स है ना उनको बहुत स्ट्रेंथ करने की कोशिश की। अब जियाउल हक के ज़माने में देख लें, जो डीसी या एसी होते थे, असिस्टेंट कमिश्नर या डीसी जो होते थे, इनके पास बहुत एक्सट्रीम पावर्स होती थी, ठीक है। वो किसी भी बंदे को 3 माह के लिए जेल भेज सकते थे और उसके ऊपर कोई नहीं बात कर सकता। मजिस्ट्रेट के पास इतनी ज़्यादा पावर्स होती थी। सो कह लें कि ये जब भी आते ना मिलिट्री, तो वो जो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम है ना इसको बड़ा स्ट्रेंथ करते हैं, और कभी भी कोई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आएगी ना वो लोकल गवर्नमेंट सिस्टम को कभी भी स्ट्रेंथ ही नहीं होने देगी। ये आप पूरी हिस्ट्री पाकिस्तान की उठा के देख लो और ऐसे ही चलो। सो इसी में भी कह लेंगे 40,000 लोकल लीडर्स होंगे ईस्ट से जिनको लोग चूज करेंगे, और यही 40,000 लोग होंगे जो कि वेस्ट से चूज करेंगे लोग, और फिर ये सारे मिलकर किसको चूज करेंगे, प्रेजिडेंट, ठीक है। सो इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो उन्होंने तरीका उसका पेश किया। इस्लामिक प्रोविजन इसके अंदर काफी कम थी, वो हम अगली स्लाइड में देखते हैं कि इस्लामिक प्रोविजन के ऊपर पूरा आगे डिटेल से डिस्कस करते हैं। और इंटरेक्टिव इलेक्शन ये मैंने आपको बता दिया हुआ है, और वोटर के लिए भी एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया उन्होंने पेश कर दिया कि जिसके अंदर कह लें कि एज क्राइटेरिया रख दिया, एजुकेशन का भी क्राइटेरिया रख दिया कि जिसके पास इतनी एजुकेशन होगी सिर्फ वही शख्स जो है वो वोट डाल सकता है। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्टेप था कि जिससे कह लें जो लोग जिनको एक मईशत की सेंस नहीं है, वो लोग जिनको मुल्क किस तरह चल रहा है और मुल्क के फाइनेंशियल हालात क्या चल रहे हैं, इकोनॉमी किस तरह डील होती है, इन सारी चीज़ों की जिसको सेंस नहीं है वो ये नहीं देख सकता कि ब्रॉडर लेवल पे क्या चीज़ें हो रही। सो ये एक अच्छा स्टेप था मेरे ख्याल से। आपका ख्याल डिफरेंट हो सकता है, ऑब्वियसली डिफरेंट माइंड्स तो डिफरेंट ख्याल होंगे। अच्छा इस्लामिक प्रोविजन जो थी इसमें काफ़ी कम थी, और इस्लाम का कह लें बस यही था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के अंदर जो बातें लिखी हुई थी वही थी कि हाकमियत अल्लाह ताला की होगी, बल्कि लेकिन उसके बाकी मुनाफी करूँ थे ज़्यादातर, ठीक है। सो स्पीकर था वो, उन्होंने रखा कि स्पीकर जो है वो प्रेसिडेंट होगा, जबकि प्रेसिडेंट कंट्री में नहीं होगा। कंट्री प्रेसिडेंट किसी भी कंट्री से आउटसाइड दौरे पर जाता है तो स्पीकर जो है वो उसकी जगह पर बैठ जाएगा, एक्टिंग प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन एक ये मसला था, ये तो उन्होंने रख दिया कि प्रेसिडेंट शुड बी मुस्लिम, बट स्पीकर का मुस्लिम होना जरूरी नहीं रखा उन्होंने, ठीक है। सो इससे क्या हुआ कि कभी ना कभी कोई नॉन मुस्लिम भी, उसके लिए एक राह खुल गई आपके प्रेसिडेंट बनने के लिए, जबकि आपने मुल्क किसके नाम पर बनाया, आपने इस्लाम के नाम पर बनाया, ठीक है। लेकिन आपने एक
पूरी प्रॉपर वे खोल दिए किसी के लिए कि वो प्रेसिडेंट बन सके। और आपको पता है कि जब कोई जो एक्टिंग प्रेसिडेंट होता है उसके पास प्रेसिडेंट की ही पावर्स होती हैं, सो वो मुल्क में कुछ भी कर सकते। सही है। सो चांसेस ऑफ नॉन मुस्लिम टू रीच द प्रेसिडेंट सीट, ये एक बहुत कह लें बुरा स्टेप था जिसके खिलाफ लोगों ने बहुत बुरा रिएक्शन दिया, और लोगों को ये इजाज़त दी गई कि वो इस्लामिक लाइफस्टाइल अपना सकते हैं। ठीक है, ये तो कह लें इस लेवल पे हम आ चुके होते कि सिर्फ लोगों को अब इजाज़त मिली थी इस्लामिक लाइफस्टाइल। ठीक है। दूसरा, ऑल नॉन इस्लामिक प्रैक्टिस यूड बी बैंड एंड पनिश, जैसे कि प्रोस्टिट्यूशन, गैम्बलिंग, ये तो हर माशरे में ही बैन होती है। खैर, ठीक है। सो ये कोई इतनी बड़ी इस्लामिक प्रोविजन नहीं थी कि जी देखें जी इन्होंने नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस, भाई नॉन इस्लामिक प्रैक्टिसेस से मतलब ये था प्रोस्टिट्यूशन, से मतलब था गैम्बलिंग, से मतलब था चोरी चिकारी। सो ये सारी चीज़ें वैसे भी हर माशरे में बैन होती। ठीक है। मेन जो चीज़ थी कि प्रमोशन ऑफ इस्लाम, प्रोटेक्शन ऑफ मुस्लिम्स, और ये चीज़ें जो थी ना वो उन्होंने ख़त्म कर दी। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान उसको बना दिया गया। आप लिबरल साइड पे ज़्यादा जा रहे हैं, आप लिबरल कंट्रीज से ज़्यादा ट्रेड करने का सोच रहे हैं। अब आप इस वक्त मुल्क को इस्लामिकली या रिलीजियस कंट्री नहीं देख रहे। ठीक है। आप मुल्क को एक आम कंट्री की तरह सोच रहे हैं कि जिसने अपनी इकोनॉमी को ठीक करना और जिसने अपने आप को आगे लेके चलना। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर 1962 कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। इसके बाद मैंने इन तीन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंस के ऊपर भी बात की गई है जो नेक्स्ट लेक्चर में। और मेरी प्लेलिस्ट के अंदर आपको पाकिस्तान अफेयर्स की स्टार्ट से लेकर एंड तक जो जो भी इवेंट्स हुए या जो जो भी मसले मसाइल हुए उनके ऊपर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे। सो अगर आप CSS या PMS की तैयारी कर रहे हैं तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए सबसे बेस्ट है। इसको लाजमी गो थ्रू करें ताकि आप एक अच्छी तैयारी जो है वो कर सकें। ठीक है।